people, welcome to my channel. I'm Arpita Karwa, and in this video I'm going to talk about how to focus on your goal. So yes, sabse important cheez hai jo mujhse puchi gayi hai aaj tak ki ma'am goals pe focus kaise kiya jaye, because most of the time students and even the people who are in their job or maybe who are just making a career for themselves, they have this tendency that they are unable to focus. And it's not their fault. The world is filled with distractions. अगर आपको ये पता ही नहीं है कि focus क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आप सिर्फ distractions में अपने आप को उलझा पाएंगे. And maybe you'll be too late to realize the fact that okay, there were few great years of your life which you wasted just being with some distractive things. So, ये बहुत important है यहाँ समझना कि focus कोई inborn talent नहीं है, ये एक skill है जिसे आप चाहें तो आप cultivate कर सकते हैं. And hard work, success, ये सारी चीज़ों के साथ में जो important है आपकी life में होना, वो है focus. Because अगर आप success पाना चाहते हैं तो determination, consistency, focus और hard work, इन चारों के बिना success पाना बहुत मुश्किल है. You need to be born with a silver spoon और तभी शायद आप successful हो पाएंगे, नहीं तो आप में ये कुछ चीज़ें होना बहुत essential है. So आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे tools की जैसे use करके हम अपने आप को focused रख सकते हैं हमारे goals पे. The first important tip I would like to give you here is that create a distraction free zone which I call as the DND zone. दिन में जब भी आप अपने काम पे हैं, जब भी आप फोकस कर रहे हो उस एक टास्क पे जो आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, आपके करियर वाइज, आपके गोल्स वाइज, उस टाइम पे एंटर इनटू अ डीएनडी मोड. जस्ट लाइक वी हैव डीएनडी मोड इन सेलफोन्स, सिमिलरली यू नीड टू हैव अ डीएनडी मोड इन योर लाइफ. सो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होना चाहिए, चाहे दो घंटे का ही क्यों ना हो, जहाँ पे आपके सेलफोन से लेके और कोई भी चीज़ ऐसी ना हो आपके सामने जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाए. आपका फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए, स्विच ऑफ नहीं तो साइलेंट होना चाहिए, और ऐसे कोई भी डिवाइसेस, कोई भी गैजेट्स नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाए. बिकॉज फोकस हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम सिर्फ एक काम पर अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाए. फोकस इज सेइंग येस टू वन एंड नो टू अदर 99 थिंग्स. सो आपके अंदर ये विल पावर होनी बहुत ज़रूरी है कि चाहे दो घंटा ही मैं अपने गोल पे काम क्यों ना कर रहा हूँ या क्यों नहीं कर रही हूँ, उस दो घंटे में मैं अपना पूरा फोकस सिर्फ उस काम पे रखूँगी. This is the most important thing that is going to take you really high in the life, and that I have actually seen in the life of all the successful people. So the first thing you need to cultivate within yourself is the DND zone. The second important thing is that develop a habit of creating to-do list. हम सब ऐसे हैं कि हमारे दिन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें करने हैं, but still हम दिन के ख़त्म होते होते ये देख पाते हैं कि हमने बहुत ऐसे काम करे जो important नहीं थे, और बहुत important काम जो हमें करने थे वो तो रह ही गए. ये सब सिर्फ इसी चीज़ का नतीजा है कि आप जब काम करने बैठते हैं तो आपके पास एक टू डू लिस्ट नहीं होती, आपको पता नहीं होता आपको क्या क्या करना है. इसीलिए आपके सामने जो काम आता है, जो चीज़ आती है वो आप कर देते हैं. सपोज़ आपने ईमेल खोला है अपने एक फ्रेंड को मैसेज भेजने के लिए किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, बट आपने जैसे ईमेल खोला आपको वहाँ पर एक नोटिफिकेशन का मैसेज पॉपअप हुआ फ्रॉम मे बी जोमैटो और फ्रॉम मेक माई ट्रिप, एंड आप सडनली उनकी वेबसाइट पर पहुँच के कुछ हॉलीडे ट्रिप्स के बारे में सर्च करने लग जाते हैं. सो जस्ट लुक एट इट हाउ इट वर्क्स, एंड आप एक घंटे बाद रियलाइज़ करते हैं कि जो ईमेल मुझे भेजना था वो तो मैंने भेजा ही नहीं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक अ टू डू लिस्ट एवरी डे व्हेन यू सिट फॉर वर्क. उससे पहले आपके सामने एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए, एंड मेक श्योर इस टू डू लिस्ट को आप रोज़ मॉडिफाई करते रहें. अगर उसमें कोई एक काम प्रायोरिटी पे ऐड होना है तो आप उसे ऐड करें, बाकी एक काम को आपको अगर नेक्स्ट डे शिफ्ट करना है तो आप उसे शिफ्ट करें, बट मेक श्योर दैट यू फॉलो द टू डू लिस्ट. आप रात में अपने आप को तभी कुछ अच्छा करने के लिए बोले जब आपने अपने टू डू लिस्ट के सारे काम खत्म करे हों. एंड बी रियलिस्टिक, आई हैड दिस रियली बैड हैबिट सिंस चाइल्डहुड दैट मैं अपने टू डू लिस्ट में इतना काम दे देती थी जो शायद सात दिन में भी ना हो, जो मैं एक दिन में करने की कोशिश करती थी. सो बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट द गोल्स, एंड आपके दिन के जो आपने गोल्स लिखे हैं, जो आपने टारगेट्स लिखे हैं, उसे अचीव करने के बाद गिव योरसेल्फ अ ट्रीट.
Maybe it's a good movie that you would like to watch, or a show on Netflix, or maybe eating your favorite ice cream, anything. Just tell yourself that you appreciate yourself for doing what you plan to do. So that's another thing that you can add in your life to make you focused about your goal. The third important thing that will help you to remain focused is the fact that always develop a habit to read something motivational. Every day when you get up, don't start your day by looking at the notifications on your phone. Rather, you can either listen to some really cool motivational songs, or maybe you can start by reading 2 pages of an inspirational autobiography. Because you need to understand the fact that 5 people with whom you spend your most of the day, you are average of those 5 people. So, आप जो भी चीज़ें दिन भर में करते हैं, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, आप वैसे ही बनते जाते हैं. अगर आप अपनी मॉर्निंग सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, तो आप नहीं सोच सकते कि आप अपने आप को फोकस्ड रख पाएंगे पूरे दिन. वहीं पे अगर आप एक बहुत ही एक्साइटिंग मोटिवेशनल सॉन्ग सुबह को सुनते हैं, या फिर आप कुछ बहुत इंस्पिरेशनल बुक सुबह पढ़ते हैं, सो यू विल हैव दैट फीलिंग इन द मॉर्निंग इटसेल्फ दैट टुडे आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू रिमेन फोकस्ड थ्रू आउट द डे. सो अपनी मॉर्निंग रूटीन को थोड़ा सा शिफ्ट करें. Feed yourself good things every morning, because that is going to set the tone of the day. Apart from that, I would also like to tell you one thing, that I post videos on this channel every week to help you stay motivated, to inspire you to live some really amazing lives, and I also make sure that I give you all the tips and tools that you need in order to lead a productive life. So if you really like the content I provide, do subscribe to this channel. You can also visit our website counsellingdost.com, on which we are providing you some really fantastic blogs. Apart from that, we also have a team of counselors who can help you with your life issues. We can help you declutter your life, solve some relationship issues, or maybe the stress, anxiety that you're facing. We have some really professional and trained psychologists associated with us. So if you join us, we are pretty sure that we are going to change your life 360 degree. So that's it for this video. We are going to meet very soon in the next video. Till the time we meet next, be happy, be motivated, and stay tuned to counsellingdost.com.